Hi everyone, this is Hani Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. चौधरी फजलदीन बल्द चौधरी जमालदीन आपको समी धी रियाज जाट बायवाज 100 रुपया हक महर कबूल है। बोल पा फजल। नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। क्या कर रहा है पा फजल? ये गैरत का मामला है और गैरत खून से भी बढ़कर है। तू अपनी सात पीढ़ियों की गैरत और शान भूल गए? हमारे खानदान में कत्ल हो और हम औरतों की तरह आंसू बहाएं, ये कभी हुआ है? कोई मिट्टी डाल दी है तूने खानदान की शान और इज्जत पर? नहीं नहीं चाहिए अब्बास, ये जो कुछ तू कर रहा है ना, ये बगैरती है, सरासर बगैरती। और गैरत क्या है? ताकत वाले की ताकत की खेल। मेरी ताकत तो ऐसे भी मर चुकी है, मैंने क्या गैरत गैरत की? और कैसा मर्द है तू? हाँ, एक कमजोर और मासूम बच्ची का तमाशा लगा के गैरत की खेल खेल रहा है? और कैसे गैरत है ये? तेरा बेटा मेरा भी खून था पा फजल, और मैं अपने खानदान की इज्जत और गैरत को मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा, वरना ही तुझे इस बात की इजाजत दूंगा। ठीक है चौधरी अब्बास, तुम मेरे लहू को छान के अपने लहू से अलहदा कर ले। मेरे लहू में तो वैसे भी परवेज की कब्र की मिट्टी भर गई। ठीक है तो फिर खून का बदला खून है। अगर वनी कबूल नहीं है तुझे तो ना सही, हम परवेज के खून का बदला खून से ले। साले जा सम्मी के यो और मां को लेके आ और उस कातिल को भी लेके आ। ना चौधरी साहब, ना चौधरी चौधरी साहब, मेरे वीरे को बचा ले, मेरे वीरे की जान बख्श दे, मुझे मुझे निकाल कर बोलो, मेरे वीरे की जान बख्श, मेरे वीरे की जान बख्श। पुत्र तू परेशान ना हो, ये जड़ी दवाई मैं बना रही है ना, ये तेरे मुंह ते लावांगी, तेरे सारे निशान खत्म हो जाएंगे। देखी तो सलाम पुत्र। चल सरकार ने बुलाया है। नरगस, मैं बड़े चौधरी के डेरे से होकर आता हूं। सारे मार सवा हूं फिर की हो गया? अच्छी तो सारा हिसाब किताब बराबर कर दिता सी, हूं की मुसीबत पैगी मेरे पुत्र ते? देख रियाज, पा फजल को अब बनी
मजबूर नहीं है, इसलिए खून का बदला खून होगा। जवान भरा खून करवाएगी डुब मारे डुब मार तू बगैर ते। सरकार हम समी को वनी कर चुके हैं, उसे काटे या मारे आपकी मलकियत है, मेरे बच्चे को बस आजाद कर दे सरकार। नहीं, अपने पुत्र को मेरा फैसला कानून करेगा। अब जो भी कुछ होगा वो अदालत में होगा, उनका बदला भी अदालत लेगी। तो मेरे पुत्र को भी ले जा, प्रीति को भी ले जा। ना हाँ फजल, मैंने कहा है ना कि कानून के पास जाना हमारी शान नहीं है, फैसला भी होगा यही। यो भाइयों, मंजूर है ना? मंजूर है। आया आया बाप फजल, हाथ तक गोली चला। ना चौधरी साहब ना, मेरे वीरे की जान बचते चौधरी साहब, मेरे वीरे को बचते चौधरी साहब, मुझे मार दो, हम सबको मार दो, मेरे वीरे की जान बचते। सरकार हमारी जान हाजिर है, आप सम्मी को मार दे, मुझे मार दे, नरगिस को मार दे, हमारे बच्चे की बस जान बख्शी कर दे सरकार। नहीं, मैं किसी बंदे को नहीं मार सकता, वो तो बंदा भी किसी बंदे को मार सकता है यार, तू आप सोच, जो मसल आप सोच दो। मेरी बन्नी कबूल कर ले चाचा, मेरे वीरा की जान बचवा, मेरी बन्नी कबूल कर ले चाचा, तो गोली चला बा फजल, किसी और के हाथों गोली चलवाने में मुझे मजबूर ना कर। नहीं, नहीं। भाइयों, बिरादरी का फैसला है कि अगर बा फजल को वनी कबूल नहीं है और हम जबान दे चुके हैं खून के बदले वनी का, तो फिर बा फजल का करीबी रिश्तेदार होने के नाते मैं ये वनी अपने बेटे के लिए मंजूर करता हूँ। भाई तो कह रहे थे कि मैं ये वनी अपने लिए कबूल करूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए कि खबरें लोग ये ना कहें कि मुझे कोई अपना लालच है। मैंने अपना पूरा इंसाफ किया है और आप सब इसके गवाह हैं। दरवाजा खोल दे मजरीना। आ
रहे शहजादे? इधर आ। अब्बा गलती से लग गई। और कोई बात नहीं, लग गई तो क्या हुआ, तुझे इजाजत है, तू वली है मेरा। ये है कौन अब्बा? ये बाद में बताता हूँ तुझे, तू जाके खेल, शाबाश। बस जॉय साहब, ये लड़की अंदर नहीं आएगी, मैं अपने बेटे को इस खेल के इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे बेटे को, शान बढ़ेगी उसकी। फर्क पड़ेगा, आ गई वो आपके लाड प्यार की वजह से सही से पढ़ता लिखता भी नहीं है। क्या करना है उसने पढ़ लिख के, नौकरी करनी है? ये खुद हुक्म चलाएगा, लोग इसके नौकर होंगे। मैं उसको सिविल सर्विस में भेजूंगी और अपना ये ख्वाब मैं जरूर पूरा करूंगा। अफसर बनाऊंगी। तू इसको सरकारी नौकर बनाना चाहती है? मैं इसको वजीर बनाऊंगा, वजीर आला। ताकत होगी इसके पास। अब मेरा रास्ता छोड़ दे चुदरैन, अगर तुझे ये वनी अपने बेटे के नाम से मंजूर नहीं है ना, तो फिर मुझे ये वनी अपने नाम से लेनी पड़ जाएगी। तू खुद फैसला कर, रास्ता देती है कि नहीं। लड़के आ चल। अम्मा जरीना जी चौधरी जी, इसे ले जा पिछले कमरे में रख, इसका ख्याल रखना है और नजर भी रखनी है। कह दे अंदर किसी को, लगा दे इसके पहरे पे किसी को, बाहर मैं राशिद को बोल दूंगा, वो इंतजाम कर देगा। अब ये यहीं रहेगी हमेशा। जी चौधरी जी, चल। बुड्ढे चौधरी फजल नाल एक ते तेरे तेरे भरा ने पुत्र कतल कर दिता, एक ते तेरा नखरा, तू नराली है। चल दादी, मैंने तू दादी, तू मैं दादी कह रही, मैं तेरी दादी हाँ, कौन खिंच लगी तेरी, मैं दादी दी बच्ची। चल बंद करा, तेन गल्ला करना, चल अगे चल। याद रखी चौधरी नवाज की मलकियत है, मलकियत है मलकियत। चल उते कोने च बैठ जाके, चल 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 जा कोने च बैठ जाके। मर्द खानदान और कबीले की शान होता है, और मर्द भी वो जो मर्द का बच्चा हो, जैसे मेरा ये शहजादा है। ओए, शेर जैसा मर्द बनना तुम्हें, शेर जैसा जिसकी एक दहाड़ पर सबकी सांसें रुक जाए, झुक जाए तेरे आगे। मेरी बात समझ रहे ना तू? थोड़ी थोड़ी। जैसे जैसे तू जवान होगा ना, पूरी बात भी समझ आ जाएगी। ये लड़की जो आई है ना, मेरे नाम पर वनी होके आई है, वनी जानता है तू?
देख, मर्द की गैरत उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। गैरत समझता है ना तुम? मर्द का गुस्सा? आधी बात सही की है मेरे शहजादे ने। गैरतमंद मर्द अपना गुस्सा दिखाता है, सबको मजबूर करता है कि मेरी बात मानो, और जब कोई उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो वो अपनी ताकत दिखाता है और जुर्माना लेता है। वन्नी भी एक जुर्माना है। पर वो तो लड़की है ना अब्बा, जुर्माना तो पैसा होता है ना। शाबाश मेरे शेर, आधी बात तो समझता है। देख, मर्द तीन चीजों पर अपनी गैरत की कीमत लगाता है, दौलत, जमीन, औरत। ये जो लड़की है ना, ये जुर्माने में तेरी गलती होता है, तुझे जिंदगी भर इसे अपने कब्जे में रखना है। पर वो तो मुझे बहुत बड़ी है ना अब्बा, मुझे मार भी सकती है ना। उसकी ये मजाल देख पुत्र, जो मर्द औरत से डर जाए ना, वो मर्द नहीं होता, बेगैरत होता है। वो तेरी गुलाम बन के रहेगी, तेरा हर काम करेगी। और जब तू 18 साल का हो जाएगा तो तेरा उससे निकाह हो जाएगा। निकाह का मतलब शादी होता है ना अब्बा, मुझे अभी शादी करनी है। अरे तू तो सचमुच मेरा पुत्र निकला। ये होती है औरत जात। राशिद जी। माँ जी, तेन किन्नी बारी क्या है पुत्र, आके दो मिनट मेरे कोल बह जाया कर। आ बह इधर मेरे कोल बह, सीधा जाके ते बुड्ढी कोल चला जाना है। जन मुरीद है ए, तो ते बेहतर सी। ओ ओ कुड़ी की ना सी सादी जी सूरत आला, ए तेरी आशिक जड़ी सी। ओ बंद है बुआ, नहीं सुनती तेरी जनानी। ओ कम अज कम तेन पुत्र ही दे देंदी हो, एदी ते मां ने भी कोई पुत्र नहीं जनिया, तियां ही तियां। प्यो हसरत लैके ते मर गया, कोई पुत्र नहीं सी। ओ किथे होंदी है, तू कदे पता कीता है अपने आशिक दा? ओ नहीं सुन रही कोई, नहीं सुन रही तेरी गल। तू मेरी गल ते ध्यान दे, इन्ना जन मुरीद ना बन। देख तू ओनू लब। अम्मा तू किसकी बात करी, मेरी तो कोई आशिक नहीं है। ना राशिद, कोई मर्द एहो जी औरत नू नहीं भुलदा जिहड़ी ओदी आशिक होवे। तैनू याद है लब ते सही ओनू किथे, ओही जिहदे खत फड़ लै सन तेरी बुड्ढी ने। है कोई नहीं गा, उथे किथे होंदी है ओही पुलिस वाले दी थी। अम्मा पता नहीं क्या बातें कर रही है तू, मुझे नहीं याद। लब ले, व्याह कर ले खामोशी नाल, कम अज कम पुत्र ते हो जाएगा तेरा। देख औरत दा इश्क खत्म नहीं होंदा, शायद हो सकता है तेरे इंतजार च बैठी होवे। तू पता ते करो किथे जा, सोची इस गल बारे और कर इस गल ते। जा हुन, इंतजार करदी होएगी तेरी। ध्यान उठे लगा है, गल्ला मेरी सुन रहा है। टोकरे दिंदी है तियां दे तेनू इट पुट्टो ते टीली। Oh,
अभी तक याद है तुझे वो? की कर रही है तू? कौन? वही तेरी आशिक चांदी। उसके खत तो मैंने जला दिए, पर लगता है अपने आशिक के दिल में वो अभी तक जिंदा है। तू जली हो गई है क्या? और मैं इश्क तुझसे करता हूँ, और अगर कोई मुझसे इश्क करे तो मैं क्या करूँ? इश्क कोई तुझसे तभी करेगा ना जब तूने नजर उठा के उसको देखा होगा। और मैं कौन सा उससे मिली हूँ? खत मिले थे जला दिया, जो तूने कहा उस पे भरोसा कर लिया, पर राशिद अब मुझे तुझ पे यकीन नहीं है। अब पगली 22 साल पुरानी बात है ये, वो मरती थी मुझ पर और मैं तुझ पे मरता था, फिर पता नहीं कहां चली गई वो। मैं तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा, अच्छा या बुरा। बुरा? तू बहुत बुरा है। और वो तुझे अभी भी मैसेज करती है। और संभाल के, खबरदार पास ना आना, मेरे वडा जान ले लूंगी तेरी राशिद। और मैं तो जवाब नहीं देता ना उसे, और वो भी कभी कभार लिख देती है कि उससे नफरत है। और मुझे क्या पता उसको कहां से मेरा नंबर मिल जाता है। ओए, ये तेल में तली बातें मुझे ना बता, सब पता है मुझे। नफरत भी उसी से की जाती है जिससे इश्क हो। मुझे भी तुझसे नफरत है, जितनी वो करती है उससे भी ज्यादा। तू तो है ही नफरत के काबिल। तू मुझे मेरी बेटियों का दुश्मन लगने लगा है राशिद। तेरे हाथों किए हुए कत्लों के बदले वो भी एक एक करके बन्नी हो जाएंगी। पर तू याद रख, इससे पहले या मैं उन्हें लेके भाग जाऊंगी या खुद के समेत उनको भी जहर दे दूंगी। ओ, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, ना कभी करूंगा, समझी तू? एक ही बात है, कत्ल करो या जुल्म का साथ दो, एक ही बात है राशिद। अरे दोवे जी कितने रहे, नजर कोई नहीं आ रहे, देखा तो सही इधर भी नहीं गए, पता नहीं कितने ने, बाहर तो नहीं चले गए कितने, बाहर तो हैं। कितने चले गए ने? ओ कितने तेरी माँ हैं? कितने चले गए ने दोवे जी? सवेरे सवेरे खरे कितने चले गए? हद हो गई, बगैर दस ही चले गए ने, मेरे अखा च सुरमा पा के ते खरे कितने मर गए। मेरी माँ को गाली मत दे आप। ओ तेरी माँ मेरी जुती दे थले, वड्डी चदरानी ना होए ते मैं उनु गाल ना दवा। मेरी माँ किसी की जुती के नीचे नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ते दसा के दी जुती थले नहीं की हो तेरी। मैं तुम लोग चलो जल्दी, स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो। मना किया था मैंने तुम्हें इतने जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए, क्यों अपनी जान पे जुल्म करती हो? मर जाओगी एक दिन। ये इंसानी जिस्म है, कोई मशीन नहीं है, खुद पर रहम करो बीबी। क्या करूं डॉक्टर साहिबा, मेरा जी करता है अपने शौहर के लिए एक बेटा पैदा कर दूं, भाई नहीं है ना कोई उसका, ऊपर से इतनी सारी बेटियां, एक ही बेटा हो जाएगा ना तो उसकी जिंदगी का सारा बन जाएगा। अच्छा, बेटा पैदा करना तुम्हारे पास में है? और बीबी, अब बात बेटा और बेटी की नहीं है, बात है तुम्हारी जिंदगी की। अपनी खातिर ना सही, अपनी बच्चियों की खातिर अपनी जिंदगी बचाओ। जाओ नाहिद, बुला के लाओ उसकी मियाँ को। नहीं डॉक्टर साहिबा, मेरे शौहर को कुछ मत कहिएगा, उसका कोई कसूर नहीं है, उसको बेटा नहीं चाहिए। वो तो कहता है बेटियां बेटों से बढ़कर हैं,
बस मेरा ही दिल नहीं मानता ना। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ बीवी तुम जैसी औरतों को, अपने मियाँ की जातियों को छुपाने के लिए अपने ऊपर जुल्म करती हो। ये मोहब्बत नहीं या खुदकुशी है, लगता है तुम्हारा मियाँ भी ये बात नहीं समझता। तुम क्या समझते हो बेटा इसके बस की बात है? क्या बेटा पैदा करने के लिए ये जिम्मेदार है? तुम इसी माशरे के मर्द हो, तुम नहीं जानते कि बेटा और बेटी शौहर की तरफ से होता है। औरत तो सिर्फ 9 महीने अपने पेट में रखती है और तकलीफ उठाती है। तुम एक बेटे की ख्वाहिश के तहत 5-5 बेटियां पैदा किए जा रहे हो। देख रहे हो इसकी हालत, खून का एक कतरा भी नहीं है इसके अंदर। यही हालत रही ना तो मर जाएगी। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब राशिद का कोई कसूर नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना। तुम चुप करो, इसका कसूर ना भी हो तुम्हारा सही, लेकिन ये तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे दुख सुख का साथी, इसे तुम्हारी तकलीफ समझनी चाहिए। हालत देखिए तुमने इसकी, ऐसा लग रहा है खून जैसे इसका किसी ने चूस लिया है। डॉक्टर साहब गलती मेरी है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखे ना डॉक्टर साहब कितनी कमजोर हो गई है, कुछ नहीं खाती है, कोई ताकत की दवा देना बस ही हमारा आखिरी बच्चा है। वो तो मैं तेरे इंतजार में भूखी बैठी रहती। ये मैं कुछ इंजेक्शन लिख रही हूँ जो रोजाना लगवाने होंगे, और कुछ मेडिसिन भी लिख रही हूँ जो कि पाबंदी से लेनी होंगी ना। नाही आप ऐसा करें, इनको अपना नंबर दे दें और इनका नंबर ले लें, क्योंकि मैं तो 2 महीने की छुट्टियों पे जा रही हूँ। जब डॉक्टर आपदा आए ना तो ये केस उनको रेफर कर दीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप आ जाए उधर, मैं आने जाने का किराया दे दूंगा। देखे ना कितनी कमजोर हो गई है ये, रोज रोज आ जा नहीं सकती है, और फिर टीका कौन लगाएगा? जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आने की। मैं ना भी आ सकी तो आप परेशान ना हो, मैं किसी और नर्स का बंदोबस्त कर दूंगी। खिल्ली खिल्ली बनी है नी समी है, पैर संभल के उतारी है नी समी है, पैर संभल के उतारी है नी समी, पैर संभल के। मैं अंदर आ जाऊं? तेरा घर है मेरा नहीं, आ जा। मैं मर्द हूं और तुम औरत, इसे पूछना पड़ता है। तुम्हें पता है मेरा निकाह होने वाला है? मेरा मतलब जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब तक तुम मेरी गुलामी कर सकती हो, मेरा कुछ ज्यादा काम नहीं होता। बस हम साथ खेलेंगे, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा खेलने के लिए, और मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम मेरी बनी हो, ठीक है ना? तुम चलो निकलो, निकलो भाई, निकलो निकलो भाई। वन्नी ने मेरी बेइज्जती की है। क्या? वन्नी ने मेरी बेइज्जती की है, कमरे से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। तुम उसके कमरे में क्या करने गए थे? मैं तो उसे बताने गया था कि वो मेरी वन्नी है, 18 साल बाद मैं उससे निकाह करूंगा, तब तक वो मेरी गुलामी करे। इस बात पर उसने इतनी जोर से मेरा बाजू पकड़ा और कमरे से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। ना वो तुम्हारी वन्नी है और ना तुम्हारा उससे कोई निकाह होगा, और आज के बाद अगर उसके कमरे में गए ना तो फिर देखना। वो मुझे जुर्माने में मिली है। बुतरजात है, हाथ क्यों उठा रही है? मैं वन्नी के पास जा सकूं ना अब्बा? हाँ पुत्र, क्यों नहीं जा सकता? मर्द अपनी औरत के पास ही तो जाएगा, और तू मर्द है। लेकिन अम्मी कह रही है ना वो मेरी वन्नी है, ना मैं उसके पास जा सकता।
ठीक है, बात करते हैं। अभी तुम जाकर खेल, मुझे जरूरी काम है। अगर तूने मुझसे चार जमातें ज्यादा पढ़ ली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमारी सात पुश्तों की रवायात को अपने पैरों तले कुचल दे और मेरी गैरत को बेगैरती में बदलने की कोशिश करे। एक और बात, ये मेरा पुत्र है, मैं इसका वारिस हूं, मैं इसके लिए जो चाहे फैसला करूं, उसे जो चाहे बनाऊं। और आखिरी बात, आइंदा तूने इस मामले में कोई गड़बड़ की तो मैं ये वनी अपने नाम ले लूंगा, फिर तू जो चाहे मर्जी करे। मैंने तुझे चौधरी साहब से छुप के बुलाया, लेकिन ये बात करने से पहले मुझे तुझसे वादा चाहिए। ये बात तेरे और मेरे बीच में हमेशा एक राज रहेगी, बल्कि तेरे पास अमानत रहेगी। हुक्म बीबी साहब, आपकी अमानत की हिफाजत के लिए सर भी हाजिर है। जो हुक्म। जानती हूँ कि तू चौधरी साहब का बहुत वफादार है, लेकिन आज मैं तेरे पास वफा की उम्मीद लेके आई हूँ। मैं तुझे अपनी इज्जत का वास्ता देती हूँ, बल्कि तेरे कदमों में अपनी इज्जत डालती हूँ। ना 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 बीबी साहब, मुझे गुनाहगार ना करें। बीबी साहब, मैं आपका गुलाम हूँ, आपकी इज्जत हर चीज से ज्यादा है। मैं सरकार साहब का दू शरीक भाई हूं, उससे भी ज्यादा। आपकी अमानत की हिफाजत के लिए सब करूंगा, आखिरी सांस तक हिफाजत करूंगा। बस हुक्म करो। उस लड़की को यहां से गायब कर दे राशिद, गोली मार दे या रेलगाड़ी के नीचे दे दे, लेकिन इस जमीन से उसको गायब कर दे। जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा,
तब तक तुम मेरी गुलामी कर सकती हो। उस लड़की को मेरे हवाले कर दे। तू यहीं ठहर। फिरे मेरे नाम।